हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई, आज की जो शुरुआत रेस ब्लॉग की, ये हो रहा है मेरे मतलब मेरे नानी के घर से। ये मेरे नानी के घर का रोड है, ठीक है। तो अगर रोड का नाम बताऊं तो सिरवाड़ा रोड है ये। तो इस जगह पे मेरे नानी का घर है। तो मैं आप लोग को आज यहाँ का दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है किस तरह से ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, किस तरह सेलिब्रेट होता है, ठीक है। शहर है, काफ़ी बढ़िया होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को शहर का भी दिखाता हूँ। जिस तरह आप लोग को मैंने अपने यहाँ का दिखाया, वैसे यहाँ का भी दिखाता हूँ। तो आज मैं दोनों जगह का जो है एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने सोचा घर पे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखा जाए कैसे क्या होता है। वैसे मैंने घूमा हुआ है लेकिन यहाँ पे उतना नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है मेन मार्केट मतलब मेन चौराहे पर ही होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी चलते हैं सीधा मेन मार्केट में, वहाँ आपको दिखाते हैं, ठीक है, जो भी जैसा कुछ है। और इनको दिखा दो, ये मेरे खाला के लड़के हैं। हाँ आदाब भाई, और बहुत देख रहे हो, नमाजी है यार, काफ़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। चलो भी आपको चल के दिखाते हैं, ठीक है। इनका नाम है फैज़ान, ये भी बढ़िया। रहमत भाई भी साथ में है, भाई भी स्टार्ट वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए जो है ऐसे है। स्टार्ट होने तो कब तक अच्छा लगेगा। भाई अभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी प्रोग्राम चालू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है शहर में थोड़ा लेट शुरू करते हैं, करीब 8 बजे के बाद ही, मतलब है ना रहमत भाई, 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही यहाँ पे शुरू होता है प्रोग्राम, जो भी कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। अभी आगे भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े स्टेज वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। तो यार मैं माइक लाना भूल गया, इसलिए आवाज़ थोड़ी स्लो आएगी, बाकी थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं, यहाँ काफ़ी बढ़िया सजा हुआ है, कितना खूबसूरत लगा है, देख रहे हो भाई। यहाँ सड़कों के बीच में ही ये सब गुब्बारे वगैरह लग जाते हैं बच्चों के खेलने वाले, देख रहे हो। उधर ही बहुत ज्यादा खूबसूरत सजा हुआ है भाई, देख लो भाई, ये है चौक, ठीक है। और यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं हर जगह बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जो है जितना हो सकता है उतना दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही देख लो हर जगह, अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा अभी, बाकी देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, खूब मस्त एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। भाई अभी मैं जो है वापस जा रहा हूँ घर, और सब लोग जो है मतलब जितने मतलब मेरे खड़े भी लड़के थे, सब लोग जो है पीछे ही छूट गए। और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा, इसलिए मैं अकेले ही घर जा रहा हूँ। और कब से भाई मैं उनको फ़ोन भी कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहे हैं। तो और काफ़ी बढ़िया था और लाउड भी था थोड़ा। तो शहर में भाई ऐसा ही होता है, जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें दिखेंगी, ठीक है। तभी चलो फिर चलते हैं घर सीधा, ठीक है। रात काफ़ी ज़्यादा, 11:30 बज रहा है भाई रात के, चलो घर। भाई आगे पीछे कोई भी नहीं है, लिटरली मैं अकेला ही चल रहा हूँ और चेहरा भी मेरा नहीं दिख रहा,
भाई मेरे फट रही है, रियलिटी बता रहा हूँ भाई। भाई इतना अंधेरा है यहाँ पे, मेरी फट रही है भाई। भाई अभी हम जा रहे हैं कोचिंग, ठीक है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक दो क्लिप आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैं अपने नानी के यहाँ रुका हुआ हूँ। चलो, बहुत दिक्कतें होती हैं भाई जब बाइक चलाते वक्त ब्लॉगिंग करो, ठीक है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है यार। सुबह का भाई मौसम बहुत बढ़िया हुआ है और जो है काफ़ी भीड़ भी नहीं है। अभी हम पहुँचने वाले कोचिंग। चलो फिर आपको वापस से मैं दिखाते अपने नानी का घर, ठीक है, आगे देख लो। चुका हूँ घर और अभी मैं अपने घर पे नहीं, मैं अभी हूँ अपने नानी के घर पे, ठीक है। तो देखो अभी मैं सुबह गया था कोचिंग वगैरह पढ़ के, फिर मैं आ चुका हूँ अपने नानी के घर पे। तो चलो भी आपको सबसे पहले अपने नानी का घर दिखाता हूँ। काफ़ी पुराना है, करीब मान के चलो 70 से 80 साल पुराना घर है ये, और आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे क्या है। चलो तो आया हूँ, कुछ देख ही लो। भाई ये देख सकते हो आप लोग, ये जो है उस साइड का जो है वो है गौसियाना, मतलब गाय वगैरह ज़्यादा रहती है उधर। और ये हमारे सामने का व्यू है, पहले ये पूरा खाली था लेकिन अभी जो है पूरा बन गया है। नहीं तो पहले यहाँ हमारी पूरी तीनों चार गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती थी, हमारे यहाँ गाड़ी वगैरह भी है, ऐसा नहीं है, तो सब कुछ होता था, लेकिन अभी पूरा बन चुका है। तो देखा जैसे कि आप लोगों ने, ये कुछ स्टार्टिंग है। और यहाँ ये हमारे नानी और नाना का रूम था जो कि अभी बंद पड़ा है, क्योंकि हमारे जो नानी नाना है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा है। क्या करें, और दिखाता हूँ, पढ़ रहे हैं भाई। ये रूम भी बंद हो गया है काफ़ी टाइम, मतलब घर वगैरह पूरा बच चुका है, इसलिए वो मेरे वहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हैं, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। पहले एक किचन था, ठीक है, अभी जो है बंद हो चुका है। वहाँ टॉयलेट है, ये देखो, दिख गया ब्रो, दिख गया है। आओ आओ आओ, सेकंड फ्लोर देखो भाई, ये देखो, अभी वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं और ऊपर सकते हैं, नीचे भी सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किताब वगैरह पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। बंदर अंदर तो नहीं है भाई, ये देखो। तो भाई अभी आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। और ये मेरे साथ में अरमान, हाय कर दो ब्रो। हाय गाइस। तो देखो ये भी मेरे मामू का लड़का है, ठीक है, इससे छोटा भी एक है। मैंने सोचा कि इसको भी बुलाता हूँ, थोड़ा इसके साथ में और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि यार अकेले थोड़ा सा अजीब लगता है। देखो ये पूरा पहले पूरा खाली था, अभी बन गया है, काफ़ी अमीर लोग भी रहते हैं ऐसा सामने देख सकते हो। बाइक तो मैंने नीचे ही पार्क करी हुई है, और इधर आओ, ये टंकी वगैरह रखी हुई है बगल वाले कुछ इस तरह से हैं। तो काफ़ी लंबा घर है यार, ऐसा नहीं है, और आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरा नाना जो है बिजली विभाग में थे, ठीक है, सरकारी में थे, देख लो काफ़ी बड़ा है यार, वहाँ तक है पीछे तक पूरा। 100 साल तो हो गया होगा, है ना, 100 साल से ज़्यादा ही हो चुका है यार, देख रहे हो, यही इतना ही है, बाकी और सब पड़ोसी लोग हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन ये है कि अभी भी थोड़ा उतना मेंटेन है। बस ये है कि देखो, जब तक आपके माँ बाप रहते हो तब तक सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन जब माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं तो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो वही हिसाब किताब यहाँ भी है, सब लोग अभी अलग हो गए हैं, इसलिए सब अपना अपना देख रहे हैं, ठीक है, मिलजुल के रहोगे तभी कुछ होगा, इसलिए सब कुछ बदल गया है। चलो फिर अभी यहाँ से चलते हैं घर, ठीक है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, और अभी यहाँ से सीधा चल रहा हूँ मैं घर, और घर पे ही ब्लॉग पर एंड करूँगा, ठीक है, अभी यहाँ से चलते। चलो ब्रो, तो भाई मैं आ चुका हूँ घर और इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। रात में अभी मैं चल रहा था, सुबह मुझे ध्यान में नहीं था कि ब्लॉग को भी एंड करना है। जब मैंने आपको ये जुलूस वगैरह दिखाया और क्या कहते हैं अपने नाने का घर दिखाया, तो देखो मैं नाने का घर 70 से 80 साल, क्या मुझे तो लगता है 100 साल क्रॉस ही है भाई, क्योंकि बस मैंने एक अपना अंदाज़ा लगाया था, लेकिन 100 क्रॉस है समझो, ठीक है। तो
इतना तो पुराना है ही, जैसा भी है ठीक है, थोड़ा मुझे पता है कि कम अच्छा है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है देखो जैसा ये ठीक है, क्योंकि पुराना बहुत है ना, इसीलिए ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे। और थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, इतनी मेहनत लगती है। और थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कराओ यार, जो मैंने जेन्युइन सब्सक्राइबर हो भाई, तुमसे बस एक रिक्वेस्ट यही है कि तुम लोग भाई किस अपने फ़ोन से तो करके रखा हुआ है तुम लोगों ने, अपने दोस्त वगैरह हो गया, अपने फैमिली में या फिर जो भी कोई है उससे थोड़ा सब्सक्राइब कराओ यार, क्या कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े। चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप कि तुम लोग को मज़ा आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।